मलाकी भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक। मलाकी अध्याय एक। मलाकी के द्वारा इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है कि क्या एसाव याकूब का भाई न था? तब भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी बपौती को जंगल के गिदड़ों का कर दिया। एदम तो कहता है कि हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिरकर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि वे तो बनाएंगे, परंतु मैं ढा दूंगा और उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा, और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहेगा। और तुम्हारी आंखें देखेगी और तुम कहोगे कि यहोवा का प्रताप इसराइल के सिवान की परली ओर भी बढ़ता जाए। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं जो पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहां, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुम्हें अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में कि तुम कहते हो कि यहोवा की मेज तुच्छ है, फिर जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, तो क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा व तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष लेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता, कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में तो मेरा नाम महान है, और हर कहीं धूप और शुद्ध भेंट मेरे नाम पर चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है और उस पर से जो भोज वस्तु निकलती है वह भी तुच्छ है। फिर तुम यह भी कहते हो कि यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भव सिकोड़ी है और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु भी भेंट ले आते हो। फिर क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जातियों में भययोग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।